बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप छिलके वाली उड़द की दाल, 1/4 कप छिलके वाली मूंग की दाल एंड 1/4 कप चना दाल। ये सभी दालों को मैंने अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया था। आप चाहे अगर आप डे टाइम में बना रहे हैं तो आप इसे मिनिमम 4 आवर्स के लिए सोक कर सकते हैं। मैंने सेम वे में धुली हुई दालें भी ली हैं, सेम रेशियो है, उड़द दाल 1 कप, चना दाल और मूंग दाल 1/4 कप लिया है। मैंने इसे भी ओवरनाइट सोक किया था। अब मैं इसके भी बड़ी बनाऊंगी। बड़ी बनाने के लिए हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीसना है। फाइन स्मूथ बैटर नहीं बनाना है, कोर्सली ग्राइंड करना है। सो हमारे जो दोनों दालें थी, छिलके वाली और बिना छिलके वाली, दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही बारीक नहीं किया है, कोर्सली ग्राइंड किया है दोनों को ही। आप देख सकते हैं दोनों के कलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, दोनों में 1 टीस्पून डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट। हम जो भी चीज बनाने के लिए हम जिस भी सब्जी में ये जो हमारा बैटर है, मिश्रण मिक्स, इसे हम फ्रिज में 3 to 4 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इसमें कोरिएंडर नहीं डाला है। आप जब इसे बनाने जाए तब आप इसमें फ्रेशली कोरिएंडर मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वड़े अभी बना के बताती हूँ। हम इसमें बड़े बनाने वाले हैं। Add little more of salt. और मेरे पास में फ्रिज में चॉप्ड हरी धनिया रखी हुई है, मैं वो डालूंगी जेनरस क्वांटिटी में। कि अच्छे से मिक्स हो गया है। वड़े बनाने के लिए आपको जितना बड़ा वड़ा बनाना है उतना बैटर आप आपके फिंगर्स पे लीजिए, लाइक दिस। इस बैटर को एक शेप दे दीजिए। और हमें इसे फिंगर्स से ऐसे ही तेल में डायरेक्टली छोड़ना है। बड़ा का शेप प्रॉपरली बनेगा इस वे में। सो आइए हम फ्राई करके देखते हैं एक बड़ा। सेम वे में अब हम बड़ा बना लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, हमें मीडियम ही रखना है। आज में बड़े को तलने वाले हैं ताकि जो दाल हमने डाली है वो अच्छे से कुक हो जाए। हम इसे अब एक साइड से कुक हो गया है तो हम पलट देंगे। लो फ्लेम में कुक कर लिया है। अब कलर आने के लिए इसे थोड़ा देर तक हाई फ्लेम में हम कुक कर लेंगे।
हमारे परफेक्ट वड़े अब तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी है गाइस। इसमें हमने काफी सारे दाल यूज किए, इसलिए इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी ज्यादा है। डू ट्राई दैट होम, लेट मी नो हाउ इट टर्न फॉर। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। I'll meet you guys in my next video. Until then.